हेलो एंड वेलकम टू मीनाक्षी किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे सर्दियों की मशहूर डिश तिल गुड़ के लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए गुड़ जो कि हमने 375 ग्राम के आसपास लिया है, और हमने लिए सफ़ेद तिल जो कि 50 ग्राम है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे। अब लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम जो तिल थे उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम तिल डाल के इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा हम भुनने देंगे अच्छी तरह। ये देखिए हमारे जो है तिल है एकदम से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसको हम एक जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमने तिल को पीस लिया। अब हम गुड़ पिघलाएंगे। इसके लिए पहले पैन में हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी को मेल्ट करके थोड़ा सा इसमें अब हम गुड़ डाल देंगे इसको मेल्ट करने के लिए, और गुड़ को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। इसमें जो थोड़े से लम्स रह गए इसको भी पिघलने देते हैं, और जब तक इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डाल के इसको पीस को हिलाएंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह इसको मिक्स होने के बाद इसमें अब हम जो हमने तिल पीसे थे वो डाल देंगे। आपने गैस का जो है फ्लेम सिम भी रखना है। अब इसमें हम तिल डाल देंगे सारे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इसको ऐसे मिक्स कर लेना अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद इसको हमें थोड़ी देर गैस पे ऐसे ही रोस्ट करना थोड़ी देर। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा। अब हम इसको ठंडा करने पर इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। आपने एकदम से गर्म मत हाथ डालना, क्योंकि गुड़ पिघल के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब भी थोड़ा सा कोसा हो जाएगा तो हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और वीडियोस देखने के लिए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। www.meenakshikitchen.com पर जाएं।